इतना हो गया था, तो नोज बनाते हैं अपन। मैंने नोज से ले क्या बोला है, नोज की पहले आउटलाइन दे देता रहा फेस की, ऐसे नोस्ट्रल की यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे देखो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। पहली बात तो जो नोस्ट्रल से चिंता की जो चीज के लिए रिफ्रेस जा रहे हैं उसके अपन को मेजरमेंट देखते हैं, तो ये यहाँ पे कट कर रहा, यहाँ पे कट कर रहा, ठीक है। तो ये वाले मेजरमेंट की अपन को देखना जरूरी हो जाता है। तो ये आया 0.5 सेंटीमीटर और ये आया 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया 0.5 सेंटीमीटर, ये आया 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे कट कर रहा है, इसका भी देखना जरूरी है। 1.8 सेंटीमीटर, पूरा नोज तो ग्रिड के अंदर आ जा रहा है, एक भी पॉइंट का अपन को पता नहीं चल रहा। क्या करते हैं अपन, ग्रिड के अंदर ग्रिड बना दे, मतलब ऐसे 2x2, इसे मेरा कितना है, ये 2.5 का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1.2 into 1.2 का बना, यहाँ पे मैंने 1.2 मार्क किया, यहाँ मैंने ऊपर 1.2 मार्क किया और इसको जोड़ दिया। तुमने 2x2 का बना रखा होगा तो 1x1 का कर दो, just divide it into half. ये 2.5 है, तो यहाँ पे मैंने 1.2, ये भी 1.2, ठीक है। और इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ, मैंने ग्रिड के अंदर एक और ग्रिड ड्रॉ कर दिया। यही सेम चीज मैं अपने में करूंगा, तो मुझे कौन से ब्लॉक को करना है इस पर, ठीक है। तो मैं मार्किंग्स बनाऊंगा, लाइन जा रही थी। इस पे भी देखो नॉस्टल दिख रहा है अपन को कि ये 0.3 सेंटीमीटर है, तो 0.3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क किया और ये 0.2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है। मेरे पास नॉस्टल वगैरह सब के हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं नोज बेस का भी बोलता, लेकिन नोज बेस एक चीज ध्यान रखना टेढ़ा है, वो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से थोड़ा स्लैंटिंग, ओके। नोज बेस की लेंथ ज़्यादा देख सकते हैं, नोज बेस क्या हो जाता है इतना सा, तो ये 0.4 सेंटीमीटर का नोज बेस है, 0.4 सेंटीमीटर का नोज बेस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी थोड़ी नोज फनी टाइप, ऐसे नोज बेस कर्व हुआ ऊपर, ऊपर की तरफ गया, ऐसे कर्व हो गया, कर्व हो के थोड़ा अंदर की तरफ वापस आया, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ उठा,
वापस नीचे आएगा। देखो ऐसा नहीं करना कि कोई एकदम ऊपर ले जाके वापस इससे कनेक्ट कर दो, नहीं थोड़ा नीचे आया और वो थोड़ा कितना होता है वो भी चेक कर सकते हो स्केल से। ये 0.3 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है, आप वापस कर रहे हो 0.3 सेंटीमीटर ऊपर 3.5 इंच लगा दो। अब जब थोड़ा ट्रिकी सा कर्व, गलती क्या करोगे तुम लोग कि ऐसे एक पूरा कर्व बना दोगे, जबकि इसका जो शेप है वो इस तरीके का है, सी शेप है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो नॉस्ट्रल जो आ रही है वो इस तरीके से सी शेप की है। चीज यहां से करें, एक कर्व देखो, एक कर्व, दूसरा कर्व। अब गलती क्या करोगे, क्लाउड शेप बनाने लग जाओगे इसमें। ये एक कर्व आया हल्का सा ऊपर उठ के, ये दूसरा कर्व आया और इस पॉइंट पे ज्वाइन हुआ। एक मिनट, पॉइंट का मेजरमेंट क्या था, 1.8 यहीं पे था, इस तरीके से यहां ज्वाइन हुआ। तो जो नोज के पास थे ठीक से, तो यहाँ पे भी यहाँ की तरफ भी कर्व जा रहा है ऐसे हल्का हल्का, तो नोज बन गई इस तरीके से और अपने जो कर्व्स रिंकल वाले वो बन गए। ओके, तो लिप्स पे आते हैं। अब लिप्स पे यूजुअली अपन को क्या आदत है, एक वी शेप देखने की। इस पे वो वी शेप उतना है नहीं, ठीक है, मेरा प्रिंट आउट भी थोड़ा रैगेड हो गया। हल्का सा क्या करो, ये जो वी शेप ये बनाओ, यहाँ पे हल्का सा वी शेप है, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा कर्व है, वरना पूरा लिप ऐसे, ठीक है। अब लोअर लिप की बारी देखे, तो लोअर लिप अपन को दिख रहा होगा कि यहाँ तक है, नहीं ये जो लिप्स है वो यहीं तक है इसके। जिम कैरी के थोड़े पतले लिप्स हैं, ठीक है। ये एरिया थोड़ा जो सूजा हुआ सा एरिया नहीं है, तो थोड़ा फूला हुआ सा नीचे वाला वो है, ठीक है। तो अब गलती क्या करोगे इसमें, इसे भी स्ट्रेट बना दोगे लाइन, ठीक है, इसे ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा कर दोगे, दांतों के लिए जगह नहीं छोड़ोगे, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी। उसके लिए सबसे पहले तो मेजरमेंट ले लो, ठीक है। ये दो मेजरमेंट जो आ रहे हैं अपने, एक कितना है, एक 1.5 है और एक ये 1.2 है। तो यहाँ पे 1.5 है और एक ये 1.2 है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, मतलब ये जो बेस है उसके दो पॉइंट जिससे ऊपर की तरफ कर्व होना स्टार्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट का मेजरमेंट ले लो, ठीक है। ये आया 0.6 सेंटीमीटर ऊपर और 1.2 सेंटीमीटर राइट, ये आया 0.6 सेंटीमीटर ऊपर और 1.2 सेंटीमीटर राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट आता है, ऊपर और इससे 1 सेंटीमीटर राइट, 1.9 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर राइट। अब बस रास्ता ये वाला,
तो ये कितना है, ये है 1.2 सेंटीमीटर ऊपर। देखो जो अपना वी शेप है उसके कोई ऐसे मेजरमेंट वगैरह नहीं ले पाओगे क्योंकि उतने ज्यादा कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये जो लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी इसे एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है। तो वी शेप का एक पॉइंट इस पे कट करना है, कितने सेंटीमीटर पे, 0.6 पे। मैंने क्या किया, इधर से 0.6 सेंटीमीटर का मार्किंग ली, लाइन आगे एक्सटेंड कर लेना और ऐसे पॉइंट। तो मुझे अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे पॉइंट ज्यादातर मिल ही गए, है ना। अब आउटर स्ट्रक्चर में आराम से बना, बस मुझे अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अपर लिप की लेंथ विथ कितनी है। तो अपर लिप की विथ देखो 0.2 mm और इस वाले पॉइंट से 0.3 mm, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हल्का सा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा। गलती क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़ा यू शेप बनाना, तो ये वैसे लटकता हुआ सा दिखेगा, वो नहीं चाहते। हल्का सा नीचे, देन ये ऊपर, ठीक है, हल्का सा। फिर यहां से स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे, एंड देन यू आर डन। थोड़ा सा आगे गए यहाँ पे और फिर नीचे की तरफ कर्व आ गया। यहाँ यहीं से अब लिप्स चालू होगा, इससे 0.2 सेंटीमीटर नीचे, इस पॉइंट से 0.3 सेंटीमीटर नीचे। तो देख लो ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट का भी मेजरमेंट ले सकते हो, जो आता है तुम्हारा 1.7 सेंटीमीटर। तो 1.7 मैंने यहाँ मार्क किया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हल्का सा कर्व बनाओ और यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से कर्व लेके आओ और ऐसे ज्वाइन कर दो। ये जो अपन ने दो पॉइंट निकाले थे, ये दो पॉइंट ऐसे ज्वाइन करो, और ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट ऊपर लेगा, धीरे से कर्व किया और ऐसे, और जैसे थोड़े रिंकल आते हैं ना, पीछे की तरफ से कर्व सा बनाते हैं। ये जो कर्व दिख रहा है ना अपन को पीछे, हल्का सा ये कर्व, ताकि स्माइलिंग फेस जो रहता है वो हो। सेम चीज यहाँ पे भी ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में एक फीचर सा होता है ना लिप्स पे, स्माइल खींचने का, ये वो है। यहाँ से भी कर्व करो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ धीरे धीरे वो स्माइल ले आओ। अब लोअर लिप की विड्थ चेक करो, लोअर लिप की विड्थ चेक करो कितनी है, 0.3 mm। यहाँ से 0.3 mm मैंने मार्क किया, ठीक है। तो कैसे आएगा 0.3 mm यहाँ पे, और धीरे से कर्व जाते जाते यहाँ पे एकदम यहाँ ज्वाइन नहीं होगा एंड में, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि दांतों के लिए जगह छोटी। एक चीज यहाँ पे ऐसे थोड़ा पीछे गया ऐसे, तो ये लिप्स अपने हो जाते हैं, बचते हैं टीथ। पहले लिप्स ड्रॉ कर लो फिर टीथ देखो।